हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ये सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ देखकर आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि हम पहुँच गए हैं हिमाचल की वादियों में। ये देखिए कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, और हम जा रहे हैं अपने होम टाउन, अपने विलेज। तो आज का ब्लॉग होने वाला है ट्रैवलिंग का ब्लॉग, तो मैंने सोचा कि रास्ते का व्यू आपके साथ में भी शेयर करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगेगा, और साथ साथ में मैं बताती जाऊंगी, ये है सोलन, हम पहुंच चुके हैं सोलन में, और साथ में बताती जाऊंगी कौन कौन से हमें रास्ते में स्टेशन्स मिलते हैं। तो चलिए आप भी इंजॉय कीजिए खूबसूरत वादी। पहुँच चुके हैं शिमला में, अभी शिमला बस स्टैंड में ही है। यहाँ से जा रहे हैं हम घर के लिए, यहाँ से घर के लिए बस पकड़ेंगे। आयु पापा, वो ये आयु है क्या? तो ये है शिमला का बस स्टैंड। तो गाइस, हमारी बस यहाँ से छूट गई है जो कि हमारे गांव तक जाती थी, शिमला छतरी बस। तो हमें जाना है अब दूसरी बस में, रामपुर रूट की बस में जाएंगे, और देखते हैं कौन सी बस मिलेगी। गाइस, हम निकल चुके हैं शिमला से अपने घर की ओर, और शिमला में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, लगभग हमें 1.5 घंटा लग गया शिमला क्रॉस करने में, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। तो यहाँ देख ही सकते हैं कैसे रुक रुक के गाड़ियाँ चल रही है। तो गाइस, अब हम नारकंडा पहुँच चुके हैं, ये देखिए नारकंडा की वादियाँ। तो नारकंडा से होते हुए हम जा रहे हैं, और रास्ते में देखिए स्नो भी है थोड़ी थोड़ी नारकंडा के जंगलों में। तो यहाँ पहुँच चुके हैं हम अब लंच करने, ये है कुमारसेन, यहाँ पर रुके हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर रुके हैं लंच करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ठंड है जैसा कि आप देख ही सकते हो। ये आसपास का व्यू, यहाँ का कुमारसन है, कुमारसन में रुके हैं हम। तो पता नहीं कितने बजे घर पहुँचेंगे, वो आपको आगे ही जाके बताएंगे। ये देखिए आसपास का सुंदर दृश्य, आसमान में बादल, ये देखिए, ये देखिए, ये है कोटगढ़ का एरिया। आयो, वो देख मंकी, ये देखो मंकी बैठा है, कैसे घूर घूर के देख रहा है। ये एक ही कैसे आ गया यहाँ पे। ये हम पहुंच गए हैं सैंज में, ये हम सैंज पहुंच गए, सैंज, ये देखिए ये होटल आते से बैठा। हेलो, तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए हैं छतरी, और हम रुके हैं आज इनके घर। ये देखिए, ये मेरी जेठानी, ये उनका बेटा, अभी खाना खुना खा के फ्री हो गए हैं, रात का डिनर हमने
आज यही किया और बाय बाय। बस जो भी मेरे से कैप्चर हो पाया वो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। आगे का मैं नेक्स्ट डे से स्टार्ट करूँगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने हिमाचल, अपने होम टाउन छतरी में। तो कल शाम को ही हम पहुंच गए थे। कल शाम को बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे ट्रैवल करके, जिस कारण से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। तो ये हम रुके हैं अपने भैया के घर, अपने जेठ जेठानी के घर यहाँ पे। तो ये है आसपास का व्यू उनके घर से पीछे का। ये देखिए देवदार के ही पेड़ हैं सामने, तो दिखाई दे रहे होंगे। तो अभी जा रहे हम गांव। हम गांव नहीं गए थे क्योंकि कल रात हो गई थी बहुत ज़्यादा, 6:30-7 बजे तक करीब हम पहुँचे थे। तो अभी हम निकल रहे हैं सुबह के टाइम, अभी हो रहा है टाइम 9:30। तो अभी हम निकल रहे हैं अपने गांव के लिए। तो हम कर रहे हैं गाड़ी का वेट। तो चलिए, ये घर जाने की तैयारियां हो रही है। ये देखो बैग दे, जतिन क्या खा रहा है, है? यहाँ पे सामने है सिराज इन स्वीट्स मेकर। ये है छतरी की मार्केट, ऊपर घना जंगल वीरान। आज शॉप्स बंद है। जल्दी जा गाड़ी कर, जल्दी जल्दी। छतरी का हॉस्पिटल, सो गाइज अभी पहुंच चुके हैं हम अपने घर। तो हमारा बस इतना ही सफर था चंडीगढ़ से, हम कल आ गए थे। तो थोड़ा बहुत जो भी मैंने शूट किया वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दे, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलती हूँ ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कुछ काम कर लेते हैं, घर में बहुत सफाई करने को है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।